पीने को पानी दो, पानी दो, पानी दो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। पीने को पानी दो, पानी दो, पानी दो। पानी दो, पानी दो, पानी दो। पीने को पानी दो, पानी दो, पानी दो। पीने को पानी दो, पानी दो, पानी दो। पीने को पानी दो, पीने को पानी दो, पीने को पानी दो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो। बिजली की कटौती बंद करो, बिजली की कटौती बंद करो। मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। पानी बंद करो, बंद करो। पानी दो, 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 पानी दो। जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन किया हुआ है। पिछले 10 दिनों से हमारे इलाकों में, जम्मू शहर में पीने को पानी नहीं मिल रहा है। त्राही त्राही मची हुई है घरों में, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है। तमाम स्कूलों में पानी खत्म हो चुका है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में पीने का पानी नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे अखनूर के पानी सप्लाई के प्रोजेक्ट को शुरू करें। और बेहद अफसोस की बात है कि केंद्र की सरकार को और जम्मू कश्मीर के सरकार ने कोई भी एलजी इंतज़ामिया ने कदम नहीं उठाया है कि जम्मू में पीने की पानी की किल्लत को दूर किया जाए। और उल्टा स्मार्ट मीटर हम पे जब से लगाए हुए हैं तब से हमारे जम्मू में उतनी ही ज़्यादा बिजली की कटौतियां हो रही हैं। इसी बात को लेकर के हमने स्मार्ट मीटर, बिजली की कटौती के विरोध में और साथ में ये प्रदर्शन किया है कि जम्मू शहर में पीने की पानी को कमी को दूर किया जाए। 40 डिग्री पानी में, इतनी गर्मी में पानी नहीं है हमारे घरों में। अगर जल्द से जल्द हमारे घरों में पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और तमाम सड़कों के ऊपर चक्का जाम कर देंगे।